ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आईपीओ आ रहा है, महा आईपीओ आ रहा है, मेगा आईपीओ आ रहा है, मदर ऑफ ऑल आईपीओ आ रहा है, इस तरह के किस्से हम अतीत में सुन चुके हैं, लेकिन अब जो आ रहा है वो वास्तव में बहुत कुछ है। इसको आप मदर कहिए, फादर कहिए, बहुत बड़ा आईपीओ, भारत के बाजार का, भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, और ये लेके आ रही है भारत की दूसरे नंबर की पैसेंजर व्हीकल कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। हम लोग उसको ह्युंडई कहते हैं, कोरियन उसको हांडई कहते हैं, लेकिन नाम में क्या रखा है, उनको ह्युंडई कहने दीजिए, हमारे लोग ह्युंडई कहते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम ह्युंडई बोलते हैं, इसीलिए वही नाम चला रहे हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, 27,870 करोड़ रुपए होगा ये आईपीओ के अपर बैंड पे, जो बैंड है 1865 से 1960 रुपए का। और इसमें चार तरह का, इस आईपीओ में चार की क्लास हैं, एक एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, दूसरे म्यूचुअल फंड, तीसरे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी अमीर लोग जिनकी जेब मोटी है, और रिटेल इन्वेस्टर। तो जो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, इनको इसमें 37.5% मिनिमम 37.5% जो नेट इशू है उसका मिलेगा, जो लगभग 10,451 करोड़ रुपए का होता है इस टोटल साइज में से। फिर आएंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, DII या म्यूचुअल फंड्स मान लीजिए मोटे तौर पे, इनको लगभग 12.5% मिल रहा है, जो होगा 3,484 करोड़ रुपए। और तीसरा कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है 35%, सबसे बड़ी हिस्सेदारी जाएगी, ये है 9,755 करोड़ रुपए, सबसे बड़ी नहीं है, दूसरे नंबर की है, पहला FPI है सबसे बड़ा, दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर, 35% का हिस्सा इनको जा रहा है 9,755 करोड़ रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 4,87,000 रिटेल एप्लीकेशंस की जरूरत होगी पूरे अमाउंट के लिए, अगर हर रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करेगा। एक लॉट मात्र 7 शेयरों की है, जाहिर है दाम इतना ज्यादा रखा गया है कि उसकी एक लॉट 7 शेयर की ही हो सकती है, और अगर मैक्सिमम लिमिट पर कोई जाता है तो वह 14 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएगा, जिसके लिए उसको 1,92,000 रुपए अपने अकाउंट में ब्लॉक कराने पड़ेंगे एज बाय इशू है। और इसके बाद बचते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको 15% हिस्सा मिलना है, और इसके भी दो टुकड़े किए गए हैं। एक है स्मॉल NII जिनकी एप्लीकेशन 2,00,000 रुपए से 10,00,000 रुपए के बीच में होती है, यानी रिटेल इन्वेस्टर है, थोड़ा पैसा ज्यादा है, तो वो NII कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनको 2,00,000 से 10,00,000 के बीच की कोई एप्लीकेशन लगानी है। और दूसरा है NII जो स्मॉल नहीं है, NII है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसकी एप्लीकेशन 10,00,000 रुपए से ज्यादा की हो सकती है। इस बात की बहुत संभावना दिख रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स वाला इशू, शायद रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा शायद अंडर सब्सक्राइब रह जाए, और वजह यह है कि जो दाम दिख रहा है, जो बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट का मतलब होता है कि दो नंबर के बाजार में जो लोग कहते हैं, सोचते हैं कि इशू के टाइम पे क्या हो क्या ना हो, बहुत एक्साइटमेंट है, तो हम पहले से ही बुक कर लें कि भैया तुमको मिलेगा, तुम मिलते ही हमको दे देना, हम आपको ये प्रीमियम देंगे। तो ये ग्रे मार्केट का इस्तेमाल होता है हिसाब लगाने के लिए कि इशू को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वहां काफी उत्साह था, लेकिन वो धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। लेकिन क्या ग्रे मार्केट ऐसे किसी इशू की सफलता या असफलता का पैमाना हो सकता है, ये सोचना चाहिए। और सोचना यह भी चाहिए कि जो कंपनी है ये भारत की दूसरे नंबर की कार कंपनी है, यहां इसका अच्छा खासा शेयर है भारत के बाजार में, और जब एक्सपोर्ट का नंबर आता है कि भारत से कारें बना के विदेश भेजना है, उसमें इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, अपने जितना परसेंटेज ऑफ कार्स ये एक्सपोर्ट कर रही है उतना कोई दूसरी कंपनी नहीं करती है, और ये 150 देशों को कारें एक्सपोर्ट कर रही है, वहां इसको कमाई काफी अच्छी होती है, और इसीलिए इसका मार्जिन कंपैरेटिवली दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले बेहतर है। तो ये इसका बड़ा प्लस है, जिसकी वजह से आगे इसका भविष्य और उज्ज्वल दिखता है, बेहतर दिखता है। और आज की तारीख में हो सकता है कुछ लोग पैसा लगाएं कुछ ना लगाएं, ये भी हो सकता है कि आगे जाके इसमें कुछ शेयर नरम पड़ जाएं, लेकिन लंबे दौर में इस कंपनी में किसी तरह का कोई खटका, कोई संकट, कोई परेशानी दिखती नहीं है। एक परेशानी की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो आज की परेशानी है
कि ये कंपनी ईवी ना बना रही है ना बनाने के बारे में कुछ बता रही है। तो ये प्रश्न उठ रहा है। एक लोग कह रहे हैं क्रेटा ईवी आ सकती है, लेकिन उसके डिटेल्स सामने नहीं है। तो इस समय जब ईवी की धूम मची हुई हो, टाटा मोटर्स ने ईवी के भरोसे इतनी दौड़ लगा ली, तो उसमें ये सवाल बन रहा है। लेकिन क्या ये सवाल इतना गंभीर है कि आदमी इस बारे में सोचे ही नहीं? दूसरा सवाल जो दाम है इसका, 1865 से 1960 रुपए का प्राइस बैंड जो है, उसको देख के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महंगा है महंगा है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि महंगा शेयर का एब्सोल्यूट दाम का कोई अर्थ नहीं होता है। कंपनी के टोटल कितने शेयर हैं बाजार में, उसमें से एक शेयर का कितना दाम है। अगर वो इसी शेयर के 10 हिस्से कर देते तो ये 186 रुपए से और 196 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड आ गया होता, तब आपको ये सस्ता लगता क्या? तो ये पूरी गणित जोड़नी पड़ती है, देखनी पड़ती है, सोच विचार के फैसला करना होता है। और बड़ा आईपीओ है, इसमें इस बात की संभावना बहुत है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे 3 पुराने आईपीओ हैं, उस वक्त पब्लिक इशू कहलाते थे, जिनमें जितने लोगों ने अप्लाई किया सबको पूरा पूरा अलॉटमेंट मिल गया। वो 3 इस देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन स्टोरीज हैं। मैं उनके नाम ले देता हूं, बाकी हिसाब गणित आप जोड़िए और इसके अपने सलाहकारों से राय लीजिए। पहला नाम है HDFC। HDFC जो बाद में HDFC बैंक में, अपने ही बनाए हुए बैंक में रिवर्स मर्ज हो गई, भारत की सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाली कंपनियों में से एक है। दूसरा नाम है इंफोसिस। बहुत मशहूर है वो किस्सा कि अगर आपने इंफोसिस में 1,00,000 लगाया होता तो वो कितने करोड़ हो गया होता, ये बताने की बात नहीं है, आप खुद अभी गणित जोड़ेंगे मिल जाएगा। तीसरी कंपनी है मारुति उद्योग लिमिटेड, जो अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कहलाती है। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग दुविधा में थे, अप्लाई करें न करें, पता नहीं क्या फायदा होगा, लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं, बाद में कमाई होगी कि नहीं। लेकिन जिसने बिना सोचे या थोड़ा सोच विचार के, कंपनी का कारोबार देख के, भविष्य की संभावनाएं देख के पैसा लगाया, वो सब आज मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं। ये किस्सा सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में रहे। बिजड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।